हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेवलिंग का। ऑटो लेवल से हम लोग लेवल ट्रांसफर कैसे करते हैं, RL कैसे ट्रांसफर करते हैं, यानी कि रिड्यूस लेवल। ओके, ये जो एक पॉइंट है इसका भी एक RL है। ओके, तो हम एक बेंचमार्क पहले फिक्स करते हैं। बेंचमार्क फिक्स करने के बाद वहाँ से हम लोग PDM को ट्रांसफर करते हैं। कोई एक रिजिड जैसा एक जगह है, जैसे कि ये हमारा एक ये हमने एक पिलर बना दिया है। इस पिलर पे हमें लाके PDM ट्रांसफर कर दिया है। इस TBM के थ्रू हमारा यहाँ पे जो ब्रिज बनने वाला है, ये जो सामने जो ब्रिज बनेगा, यहाँ पे हम इस TBM से हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। ओके, तो ऑटो लेवल से कैसे काम करेंगे आपको इस वीडियो में प्रॉपर मैं क्लियर कर दूंगा। और आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने भी प्रेशर हैं उसको आप वीडियो को शेयर कर दीजिए कि यहाँ से जेन्युइन आपको समझ में आएगा क्या एक्चुअली काम कैसे करते हैं। ओके, तो चलिए मैं अपने डायरी को दिखाता हूँ। डायरी पे सबसे पहले आपको ड्राइंग में क्या क्या देखना होता है, सबसे पहले देखिए मैं बात करता हूँ। जो ब्रिज नंबर है, ब्रिज नंबर में क्या होता है, उसका बेड लेवल दिया रहता है। ठीक है, बेड लेवल को मैं 100 मान लेता हूँ। ठीक है, 100 मीटर मान लेता हूँ। उसका जो RL है, RL की मैं बात कर रहा हूँ अभी। मैं जो भी बात करूँगा मैं RL का बात करूँगा। तो इसका जो RL है बेड लेवल का, जो हमारा बॉक्स कलवर्ट बनेगा, बॉक्स कलवर्ट का कुछ साइन इस तरह से होता है। जो बॉक्स कलवर्ट हमारा जो बनेगा, तो जो यहाँ पे वाटर फ्लो होगा इसको हम लोग बेड लेवल बोलते हैं। वाटर फ्लो जहाँ से होगा उसको बेड लेवल बोलते हैं। और बेड लेवल जो होता है जनरली ग्राउंड लेवल के लेवल में होता है। ओके, तो बेड लेवल इज इक्वल टू ग्राउंड लेवल हम लोग बोल सकते हैं। तो बेड लेवल का जो हमारा RL है इतना है। और आपको TBM वैल्यू होता है, TBM वैल्यू जो आप ट्रांसफ़र करके लाते हैं कहीं से भी, जहाँ पे आप काम करने जाते हैं, रेलवे काम करेंगे, हाईवे का काम करेंगे, तो आपको ये चीज़ क्लाइंट की तरफ से दिया रहता है कि आपको वहाँ का RL क्या है। तो वहाँ पे क्लाइंट की तरफ से हमको यहाँ पे RL मिला हुआ है, इसका टॉप का हमको RL मिला हुआ है। तो टॉप का RL मान के चलिए कि यहाँ पे 200 है, 200 मीटर है। ठीक है, तो इस तरह ये आपका जो RL हो गया, यहाँ का RL हो गया, हमारा बेड लेवल 100 हो गया, तो 100 मीटर का आपको डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले तो सर्वे का जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट आप समझ लिए, BS, IS, FS, HI, RL एंड रिमार्क्स। तो BS यानी कि बैक साइड होता है, बैक साइड हमेशा प्लस में होता है, इंटरमीडिएट साइड। IS यानी इंटरमीडिएट साइड। जो फोर साइड होता है, इंटरमीडिएट साइड का तब ज़रूरत पड़ता है कि जब आप क्रॉस सेक्शन का लेवल लेते हैं, उस टाइम में आपको इंटरमीडिएट साइड का ज़रूरत पड़ता है। फोर साइड का कब ज़रूरत पड़ता है कि जब आप एक TBM ट्रांसफ़र करते हैं, TBM ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये हमारा बैक साइड होता है। फोर साइड हमेशा माइनस में रीडिंग होता है, तो ये फोर साइड होता है। FS यानी HI क्या होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है। HI का मतलब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। RL यानी कि रिड्यूस लेवल, जो कि ये RL का बात कर रहे हैं। तो कोई एक पर्टिकुलर जगह पे उसका RL होता है, उसका ये RL है। देन यहाँ पर रिमार्क्स में आप कुछ भी वहाँ का एरिया का लिख सकते हैं, जैसे कि कोई भी जो भी ब्रिज नंबर है या पिलर नंबर है, वहाँ से आप एक रिमार्क्स दे के आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको इतना तो समझ में आ गया, थ्योरेटिकली इतना समझ में आ गया। प्रैक्टिकली अब हम आपको करके बताते हैं कि कैसे प्रॉपर तरीके से लेवल ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा काम है, मैं अगर इसकी बात करता हूँ, तो ये मेरा स्टाफ है। ये स्टाफ की रीडिंग है 1.1 मीटर, 1.2 मीटर, 1.3। ये पूरा टेप जो आप टेप यूज करते हैं वही सेम चीज़ है। तो ये हमारा ट्रेवलिंग स्टाफ हो जाता है। ये हमारा, इसको हम ट्राइपॉड बोलते हैं, और इसको ऑटो लेवल मशीन बोलते हैं। ठीक है, तो मैं इसको प्रॉपर तरीके से सेट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको हाइट के अनुसार इस स्टैंड को सेट कर लेना, ज़्यादा आपको उठना ना पड़े, ज़्यादा आपको झुकना ना पड़े। तो चेस्ट के लेवल से आपको रखना है, चेस्ट के लेवल से थोड़ा सा ऊपर रखिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से मैं ये मेरा अपने ट्राइपॉड को मैं फिक्स कर लेता हूँ चारों साइड से। इसको प्रेस कर देते हैं, लेग को पूरा प्रेस करके इसको फिक्स कर देते हैं। तो ये मेरा जो फ्लैट है, ये मेरा पूरा फ्लैट होना चाहिए।
तो आपको लेवलिंग में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा। फिर आपको मशीन को उठा के इसे फुट कर देना है। जैसे ही फुट करेंगे आपको इसको स्क्रू के अनुसार स्क्रू के थ्रू इसको टाइट कर लेना है। या टाइट कर लिए फिर उसके बाद आपको ये जो हमारा स्क्रू है ये स्क्रू के अनुसार आपको इसको बबल करना है। इस साइड में बबल है, यहाँ पे इस बबल को हमको सेंटर में लाना है। इस बबल को हमको सेंटर करना है। तो बबल को सेंटर करने के लिए आपको स्क्रू का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये अप में है तो मुझे देखिए अगर बबल ये इधर है तो ये अप में है, ये डाउन है, ठीक है। तो इस डाउन वाले पोर्शन को हमको अप करना होगा। तो मैं इधर से इसको अप करता हूँ, ये वाले मैं ये नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस साइड में मेरा एरो है, बबल है, तो उसको हमको इधर लाना है। तो या तो इसको हम डाउन कर सकते हैं या इसको अप कर सकते हैं। ये देखिए आप 2 सेकंड में आप इसको बबल कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने मशीन हमारा पूरा ऑल सेट हो चुका है। आप इसको राउंड करके इसको घुमा के देख सकते हैं और इसको सेंटर में ही चला जाएगा, ऊपर तक से सेंटर चला जाएगा। अभी आपको क्या करना है कि हमारा मशीन सेट हो चुका है, हमारे पास फॉर्मेट है, इसका आरएल जो है इस आरएल पे हमने बैक साइड लेना, ठीक है। चलिए मैं यहाँ का बैक साइड लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसका कुछ वैल्यू चेंज कर देता हूँ एज पर ड्राइंग के अनुसार मैं बात करता हूँ। तो मान के चलिए इसका जो वैल्यू है TBM वैल्यू जो है 55600 है, ओके। और इसका जो बेड लेवल है एज पर ड्राइंग के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, जो इसका बेड लेवल है ये 51050 है, ओके। तो TBM पे मैं अभी का यहाँ पे करके यहाँ पे बैक साइड कर लेता हूँ। तो जो इसका RL है देखिए यहाँ पे RL में यहाँ TBM वैल्यू में यहाँ 55600 लिख दीजिए, ठीक है। जो बैक साइड का रीडिंग आएगा हम यहाँ बैक साइड में लिख देंगे। देन उसके बाद जो हमारा बेड लेवल है हमको इस बेड लेवल पे जाना है, तो उसमें से उस माइनस कर देंगे तो हमारा स्टाफ रीडिंग आ जाएगा। चलिए हम दिखाते हैं कैसे करेंगे इसको। हमने TBM पे स्टाफ को रख दिया। आप पीछे का रीडिंग भी पढ़ सकते हैं और आगे का भी रीडिंग पढ़ सकते हैं। अगर जब आपका स्टाफ इतने पास में है 5-6 मीटर के डिस्टेंस में है तो आप इसको बैक साइड से ही छोटा वाला रीडिंग पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसका रीडिंग मैं पढ़ता हूँ, ये आ रहा है 0.980 यानी कि 980 mm, ओके। TBM वैल्यू है, TBM यानी कि 55600 और जो मेरा स्टाफ रीडिंग आया यानी कि 0.980, तो मैं इसमें प्लस कर दूंगा क्योंकि बैक साइड हमेशा प्लस में रहता है। तो 0.980 हो गया, ठीक है। मैं इसको प्लस कर लेता हूँ। साइंटिफिक कैलकुलेटर आप साथ में रखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदे होंगे। और अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल वीडियो यहाँ पर आते रहेंगे। तो 55600 मेरा ये हो गया, प्लस 0.980 ये आ गया 56580, यहाँ पे आ गया 56580, ये आपका हो गया HI। यहाँ पे जो HI है ये हमारा 56580 हो गया, ठीक है, 56580। अभी हमको जाना है यहाँ तक 51050 जाना है, तो माइनस कर दूँगा 51050, ये आ जाएगा 5 मीटर 530। तो ये जो हमारा आएगा ये हमारा स्टाफ रीडिंग होगा। जो भी हम इसमें स्टाफ में पढ़ेंगे इस मशीन के थ्रू, तो इसमें हम 5 मीटर 550 जहाँ पे भी आएगा वो हमारा लेवल होगा। तो इस हिसाब से हम लोग लेवल ट्रांसफ़र करते हैं। अगर इसमें भी कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, उसमें हम आपको मदद कर सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।